हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल आर्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लार्ज फॉर्मूला। लार्ज फॉर्मूला आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज करके देगा। यहाँ पर मैं आपको 3 डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाती हूँ। यहाँ पर मुझे चाहिए सेकंड हाईएस्ट स्कोर, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट स्कोर। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ लार्ज। फर्स्ट इज एरे, एरे मीन्स रेंज। मैं यहाँ पर रेंज सिलेक्ट कर रही हूँ, कॉमा के। के मीन्स पोजिशन या फिर स्कोर। तो यहाँ पर मुझे सेकेंड हाइएस्ट स्कोर चाहिए। तो टू एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, एंड सेकेंड हाई स्कोर इज 99। आप देख सकते हैं फर्स्ट इज 100। एंड यहाँ पर फिफ्थ हाईएस्ट स्कोर पूछा है, यानी कि फिफ्थ लार्जेस्ट स्कोर। तो लार्ज फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरे में स्कोर एंड कॉमा फिफ्थ एंड एंटर। फिफ्थ हाईएस्ट इज 80। नाउ सेकंड एग्जांपल देखते हैं, टॉप थ्री स्कोर। टॉप थ्री स्कोर में इज इक्वल टू लार्ज, एरे में हम सेलेक्ट करेंगे स्कोर एंड के मीन्स पोजिशन। पोजिशंस में हम रेफरेंस देंगे टेंक का एंड एंटर। यहाँ पर मैं इसे F4 प्रेस करके फिक्स कर देती हूँ रेंज को एंड एंटर। अब मैं इसे ट्रैक कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज हो गए हैं, टॉप थ्री स्कोर्स यहाँ पर मिल गए। लेट्स सी थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में है एड टॉप थ्री स्कोर्स, यानी कि ये जो टॉप थ्री स्कोर है उसका मुझे यहाँ पर सम चाहिए। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लार्ज फॉर्मूला, एरे, एरे में रेंज, कॉमा, के मीन्स पोजिशन। तो यहाँ पर हम करली ब्रैकेट में पोजिशन 1, 2 एंड 3 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे इसका सम चाहिए, तो हम यहाँ पर सम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो यहाँ पर आपको 297 तीनों का सम मिल गया। सो ये था लार्ज फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल।